मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना के तहत बीते फरवरी माह से अब तक करीब 7,000 बेरोजगारों का पंजीयन हुआ है। इंदौर नगर निगम उपायुक्त नरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल 373 बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का कार्य सतत जारी है। शर्मा ने कहा कि निगम के 4 माह का प्रशिक्षण और 4 माह के जॉब करने के बाद बेरोजगारों को 4,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी तरह के बेरोजगारी भत्ता देने की बात से इनकार किया। मध्य प्रदेश शासन की युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत जो है बेरोजगारों को जॉब और ट्रेनिंग दोनों का प्रोविजन है। उसके अंतर्गत अभी इंदौर शहर में 373 लोगों को जो है मतलब उनको जो है रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग का जो है कार्यक्रम चल रहा है। सर, ट्रेनिंग तो पहले कई समय से चल रही थी यहाँ पर, लेकिन उनको आधा कुछ भत्ता भी मिलने की बात थी। और अभी कितने लोगों को इसमें से रोजगार मिला है? इसमें भत्ते की कोई बात नहीं है, इसमें दो प्रकार की बात है। एक तो उसको 4 महीने जो है ट्रेनिंग लेना है और 4 महीने उसको नगर निगम में जॉब करना है। तो जो 4 महीने में नगर निगम में जॉब करेगा उसको 4,000 रुपये महीना उसको मिलेंगे। कंटिन्यू यदि वो रहता है और निर्धारित जो है मापदंड पूरे करता है तो हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद सीएम कमलनाथ की इस योजना को लागू हुए करीब आधा वर्ष बीतने को है, किंतु इंदौर शहर में किसी बेरोजगार को कोई काम नहीं मिला है। संबंधित अधिकारी आज भी फरवरी से शुरू हुए प्रशिक्षण को निरंतर चलाने की बात कर रहे हैं।